से उनसे आग्रह करता हूं कि आके इस लोकतांत्रिक प्रणाली में दीदार बने और एक नई सरकार का चुनाव करना है। मुझे लगता है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में चुनाव संपन्न हो और ये इस लोकतंत्र की खूबी है कि जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा बहुमत लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। लेकिन सर ऐसी खबरें भी आ रही है कहीं कहीं देर से वोटिंग शुरू हुई है, कहीं मशीनें खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। सब चलता रहेगा, मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह जिम्मेदारी से अपना काम निभाएगा। अगर कहीं पर कंप्लेंट्स हैं या कहीं पर कुछ कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल में एक शुभ दिन के अंदर सब लोगों को सकारात्मक सोच रखते हुए अपने अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करना चाहता हूं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चुनाव हो। पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है, दल व्यक्ति सब पीछे रह जाते हैं जब पब्लिक का वोटिंग का दिन आता है। तो आज इस लोकतंत्र के पर्व को आइए मिलकर मनाएं और अपना अपना वोट डालें। सचिन क्या लगता है, इतना घूमे हैं आप राजस्थान में, कांग्रेस की क्या स्थिति लगती है? वो तो 11 तारीख को सब पता पड़ जाएगा, लेकिन 5 साल से हम लोगों ने पब्लिक की आवाज बनकर काम करना करा है। इस पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में मुझे लगता है कि भाजपा की जो सरकार रही वो पूरी तरह विफल रही और आंकड़े बताते हैं, लोगों के अनुभव बताते हैं। आज जो वातावरण बना है चारों तरफ जो हवा चल रही है वो बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की मेहनत रंग लाएगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सचिन 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ लेकिन 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार करते रहे, कितना असर रहेगा मोदी और अमित शाह की मेहनत का? देखिए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह साहब इतनी मेहनत जो कर रहे हैं राजस्थान में, जो की उन्होंने, वो समझ गए थे हार तो निश्चित है लेकिन हार थोड़ी बहुत सम्मानजनक हो, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लगाया पूरे नेता को यहाँ उतार दिया। जिन लोगों ने राजस्थान का की तरफ मुंह नहीं फेरा 5 साल तक, उन लोगों को यहाँ डेब्यूट किया गया, लोगों को पार्टी की बातें करी गई, इस प्रकार की निम्न स्तर की डिबेट हुई तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। बहरहाल जो कोशिश वो कर रहे थे भाजपा के नेता, वो इसलिए कर रहे थे कि हार हो तो सम्मानजनक हो, पूरा सुपड़ा साफ ना हो, लेकिन पब्लिक वो भी नहीं होने वाली है। लोगों ने 4 साल 11 महीने 29 दिन जो झेला है, जो पीड़ा सहन करी है, उसका तो वो आज पूरा बदला लेंगे। अब चाहे मोदी साहब हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे बाकी कोई भी नेता हो, और किसी ने भी आकर यहाँ 5 साल की वसुंधरा सरकार की बड़ाई नहीं करी।